नमस्कार मित्रों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस कहानी के साथ यहाँ प्रस्तुत हूँ उसका शीर्षक है लांछन, जो कि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदयों के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। महिला आश्रम की जुगनू बाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह बेपढ़ी लिखी गरीब बूढ़ी औरत थी, देखने में बड़ी सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफ रीडर की निगाह गलतियों पर ही जा पड़ती है, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों पर ही पहुंच जाती थीं। शहर में ऐसी कोई महिला न थी जिसके विषय में दो चार लुकी छिपी बातें उसे न मालूम हो। उसका ठिगना स्थूल शरीर, सिर के खिचड़ी बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें, उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाले रहती थी। लेकिन जब वह किसी की कुत्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, आंखें फैल जाती और कंठ स्वर कर्कश हो जाता। उसकी चाल में बिल्लियों का सा संयम था, दबे पांव धीरे धीरे चलती, पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार हो जाती थी। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थी। उसका आतंक था कि जो ही वह कमरे में कदम रखती, होठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती थी, चहकने वाली आवाजें जैसे बुझ जाती थी, मानो उसके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते हों। पिछले रहस्य कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के समान कटघरों में बंद करके न रखना चाहता हो। धनियों को चोरों के भय से नींद नहीं आती, मानियों को उसी भांति मान की रक्षा करनी पड़ती है। वह जंतु जो पहले कीट के समान अल्पाकार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और सबल होता जाता है। यहाँ तक कि हम उसकी याद ही से कांप उठते हैं, और अपने ही कारनामों की बात होती है तो अधिकांश देवियाँ जुगनू को दुत्कारती, पर यहाँ तो मेके और ससुराल, ननियाल, ददियाल, फुफियाल और मौसियाल चारों ओर की रक्षा करनी थी। और जिस किले में इतने द्वार हों उसकी रक्षा कौन कर सकता है, वहां तो हमला करने वाले के सामने मस्तक झुकाने में ही कुशल है। जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे और वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहां किसी महिला ने दून की ली या शान दिखाई, वहां जुगनू की त्योरियां बदली, उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छे को दहला देती थी। मगर ये बात न थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती हों, नहीं, सभी बड़े चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही है, और जुगनू के पास इसका काफी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल में मिस खुर्शेद उसकी हेड मिस्ट्रेस होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब न था। मिस खुर्शेद एक दिन आश्रम में आई, ऐसी ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी। उनकी बड़ी आवभगत हुई, पहले ही दिन मालूम हो गया मिस खुर्शेद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हर एक से मिली, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गईं। गाने में चतुर थी, व्याख्यान भी खूब देती थी और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मद भरी आंखें, नए फैशन के कटे हुए केश, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा न बन सकती थी। चलते समय मिस खुर्शेद ने मिसेस टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थी, एकांत में बुलाकर पूछा, ये बुढ़िया कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शेद को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मानो कोई शहसवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेस टंडन ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाऊं? मिस खुर्शेद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है, मुझे चालबाज मालूम होती है, ये भी देख रही हूँ कि वह सेविका नहीं स्वामिनी है। मिसेस टंडन तो जुगनू से जली बेटी ही थी, इनके वैधव्य को लांछित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागिन कहा करती थी। मिस खुर्शेद से उसकी जितनी बुराई हो सकी वह की और उससे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शीद ने गंभीर होकर कहा, तब तो भयंकर स्त्री है, तभी सब देवियां इससे कांपती है, आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी चुड़ैल को एक दिन न रखना चाहिए। मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई, निकाल कैसे दूं, जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में है, आपको दो चार दिन में उसके जौहर खुलेंगे, मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी उसके पंजे में न फंस जाएं। उसके सामने भूल कर भी किसी पुरुष से बातें न कीजिएगा,
इसके गोयंदे न जाने कहां कहां लगे हुए हैं। नौकर से मिलकर भेद ये ले, डाके से मिलकर चिट्ठियां ये देखे, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल ये पूछे। इस रान को खुफिया पुलिस में जाना चाहिए था, यहां न जाने क्यों आ मरी। मिस खुर्शीद चिंतित हो गई, मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हो। एक क्षण बाद बोली, अच्छा मैं इसे ठीक करूंगी, अगर न निकाल दूं तो कहना। मिसेस टंडन, निकाल देने ही से क्या होगा, उसकी जबान तो न बंद होगी, तब तो वह और भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिस खुर्शीद ने निश्चिंत स्वर में कहा, मैं उसकी जबान भी बंद कर दूंगी। बहन आप देख लीजिएगा, टके की औरत यहाँ बादशाहत कर रही है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख, यहाँ प्रिंसिपल हैं। जुगनू ने देश भरे हुए स्वर में कहा, आप देखें मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियाँ देख चुकी हूँ, आंखों का पानी जैसे मर गया हो। मिसेस टंडन धीरे से बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगी, उनसे डरती रहना, कह गई है मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुम्हें चेता दूं, ऐसा न हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठो। जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे चेताने का काम नहीं, उन्हें चेता दीजिएगा, यहाँ का आना न बंद कर दूं तो अपने बाप की नहीं। वह घूम कर दुनिया देख आई है तो यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेस टंडन ने पीठ ठोकी, मैंने समझा दिया भाई, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जुगनू आप चुपचाप देखती जाइए, कैसा तिगनी का नाच नचाती हूँ, इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया, उम्र तो 30 के लगभग होगी। मिसेस टंडन ने रद्दा जमाया, कहती है मैं शादी करना ही नहीं चाहती, किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी आजादी बेचूं। जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही ना होगा, ऐसी बहुत सी कंवारियां देख चुकी हूं, 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। और कई लौंडियां आ गईं और बात का सिलसिला बंद हो गया। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शीद हवा खाने गई हुई थी। खान सामा ने पूछा, कहां से आती हो। जुगनू ने कहा, यही रहती हूं बेटा, मेम साहब कहां से आई है, तुम तो इनके पुराने नौकर होंगे। खान सामा ने कहा, नागपुर से आई है, मेरा घर भी वही है, 10 साल से इनके साथ हूँ। जुगनू ने कहा, किसी ऊंचे खानदान की होंगी, वह तो रंग ढंग से ही मालूम होता है। खान सामा ने कहा, खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं, हाँ तकदीर की अच्छी है, इनकी माँ अभी तक मिशन में 30 रुपए पाती हैं। ये पढ़ने में तेज थी, वजीफा मिल गया, विलायत चली गई, बस तकदीर खुल गई, अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली हैं, लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आए, यह गिरजे विरजे नहीं जाती, इससे दोनों में पट्टी नहीं, मिजाज की तेज मालूम होती है। खान सामा ने कहा, नहीं यो तो बहुत नेक है, गिरजे नहीं जाती, तुम क्या नौकरी की तलाश में हो, करना चाहो तो कर लो, एक आया रखना चाहती हैं। जुगनू ने कहा, नहीं बेटा मैं अब क्या नौकरी करूंगी, इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थी वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी, मैंने समझा चलूं नई मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊं। खान सामा ने कहा, यह आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं है, ऐसों से बहुत चिढ़ती हैं, कोई मंगता आया और उसे डांट बताई, कहती हैं बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है, भला चाहती हो तो चुपके से रहा लो। जुगनू ने कहा, तो ये कहो इनका कोई धर्म कर्म नहीं, फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी। जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफी सामान मिल गया, नीच खानदान की है, माँ से नहीं पटती, धर्म से विमुख है, पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम न थी। चलते चलते खान सामा से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं। खान सामा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई, साहब कहाँ से होंगे। जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा, अरे अब तक ब्याह ही नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। खान सामा ने कहा, अपना अपना रिवाज है, इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनू ने मार्मिक भाव से कहा, ऐसी कुंवारियों को मैं बहुत देख चुकी, हमारी बिरादरी में कोई इस तनो रहे तो थोड़ी थोड़ी हो जाए, मुदा इनके यहाँ जो जी में आए करो, कोई नहीं पूछता। इतने में मिस खुर्शीद आ पहुंची, गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था, मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुए थी, एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कपोलों को ताजा और सुर्ख कर दिया था। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी न देखा। अंदर जाते ही खानसामा को बुलाकर पूछा, ये औरत क्या करने आई है। खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारिन है हुजूर, पर औरत समझदार है, मैंने कहा यहाँ नौकरी करेगी तो राजी नहीं हुई, पूछने लगी इनके साहब क्या करते हैं। जब मैंने बता दिया तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ, और होना ही चाहिए, हिंदुओं में तो दूध मुहे बालकों तक का विवाह हो जाता है। खुर्शीद ने जांच की और क्या कहती थी, और तो कोई बात नहीं हुजूर, अच्छा उसे मेरे पास भेज दो। जुगनू ने जो ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया, आइए माँ जी।
मैं जरा सैर करने चली गई थी, आपके आश्रम में तो सब कुशल है? जुगनू एक कुर्सी का तकिया पकड़कर खड़ी खड़ी बोली, कुशल है मिस साहब। मैंने कहा, आपको आशीर्वाद दे आऊं, मैं आपकी चेरी हूं, जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा, यहां अकेले तो हुजूर को अच्छा न लगता होगा। मिस खुर्शीद ने कहा, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है, वह सब मेरी ही लड़कियां हैं। जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक है मिस साहब, पर अपना अपना ही है, दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए। सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए जूते चरमर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया मानो जामे में फूली न समाती हो। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्शीद ने युवक को गले मिलकर कहा, प्यारे कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। जुगनू से बोला, माँ जी आप जाएं, फिर कभी आना, ये हमारे परम मित्र विलियम किंग हैं, हम और ये बहुत दिनों तक साथ साथ पड़े हैं। जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आई, खान सामा खड़ा था, पूछा, ये लौंडा कौन है? खान सामा ने सिर हिलाया, मैंने इसे आज ही देखा है, शायद अब कुंवारपन से जी उबा, अच्छा तहरदार जवान है। जुगनू ने कहा, दोनों इस तरह टूट कर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे गड़ गई, ऐसा चुम्मा चाटी तो जोरू खसम में नहीं होती। दोनों लिपट गए, लौंडा तो मुझे देखकर कुछ झिझकता था, पर तुम्हारी मिस साहब तो जैसे मतवाली हो गई थी। खानसामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा, मुझे तो कुछ बेढब मामला नजर आता है। जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुँची। इधर मिस खुर्शीद और युवक में बातें होने लगी। मिस खुर्शीद ने कहा मारकर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला, बुढ़िया सचमुच चौंधिया गई। लीला मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भांप न जाए। मिस खुर्शीद मुझे विश्वास था वह आज जरूर आएगी, मैंने दूर ही से उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी, आज आश्रम में बड़े मजे रहेंगे, जी चाहता है महिलाओं की कनफुसकियां सुनती, देख लेना सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी। लीला तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पांव रख रही हो। मिस खुर्शीद मुझे अभिनय में मजा आता है, दिल लगी रहेगी, बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है, जरा उसे सबक देना चाहती हूँ, कल तुम इसी वक्त इसी ठाट से फिर आ जाना, बुढ़िया कल फिर आएगी, उसके पेट में पानी न हजम होगा। नहीं ऐसा क्यों, जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर दूंगी, बस तुम छेला बनी हुई पहुँच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत न मिली, उसने सारा वृत्तांत मिसेस टंडन से कहा। मिसेस टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से ये कथा सुनती। हर एक रिहर्सल में कुछ कुछ रंग और चढ़ जाता, यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में वह खबर गूंज उठी। एक देवी ने पूछा, ये युवक कौन है? मिसेस टंडन सुना तो उनके साथ का पड़ा हुआ है, दोनों में पहले से कुछ बातचीत रही होगी, वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई, ये कुंवारी कैसे बैठी है, अब कलई खुली। जुगनू ने कहा, और कुछ हो या न हो जवान तो बाका है। टंडन ने कहा, यह हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू मैं तो उसकी सूरत देखते ही ताड़ गई थी, धूप में बाल नहीं सफेद किए। टंडन ने कहा, कल फिर जाना। जुगनू कल नहीं, मैं आज रात को ही जाऊंगी, लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर जा पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी, बोली, बुढ़िया तो बेतरह पीछे पड़ गई। मिस खुर्शीद मैंने तुमसे कहा था उसके पेट में पानी न पचेगा, तुम जाकर रूप भर जाओ, तब तक मैं बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह अंट संट बकना शुरू करना, मुझे भगा ले जाने के प्रस्ताव भी करना, बस यूँ बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो। लीला मिशन में डॉक्टर थी, उसका बंगला भी पास ही था। वह चली गई तो मिस खुर्शीद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा उसको देकर कहा, मिसेस टंडन ने यह किताब मांगी है, मुझे आने में देर हो गई, मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती, पर सवेरे ही वह मुझसे मांगेगी, हजारों रुपए महीने की आमदनी है मिस साहब, मगर एक एक कोड़ी दांत से पकड़ती है, इनके द्वार पर भिखारी को भीख तक नहीं मिलती। मिस खुर्शीद ने पुर्जा देखकर कहा, इस वक्त तो ये किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना, तुमसे कुछ बातें करनी है, बैठो मैं अभी आती हूँ। वह पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई और वहाँ से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, इत्र में बसी हुई, मुंह पर पाउडर लगाए निकली। जुगनू ने उसे आंखें फाड़ कर देखा, ओहो यह श्रृंगार, शायद इस समय वह लौंडा आने वाला होगा, तभी ये तैयारियां हैं। नहीं, सोने के समय कुंवारियों को बनाओ संवार की क्या जरूरत। जुगनू की नीति में स्त्रियों के श्रृंगार का केवल एक उद्देश्य था, पति को लुभाना, इसलिए सुहागिनों के सिवा श्रृंगार और सभी के लिए वर्जित था। अभी खुर्शीद कुर्सी पर बैठने भी न पाई थी कि जूतों का चरमर सुनाई दिया और एक क्षण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा।
उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थी और कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी। उसने बेधड़क मिस खुर्शीद को छाती से लगा लिया और बार बार उसके कपड़ों के चुंबन लेने लगा। मिस खुर्शीद ने अपने को उसके कर पाश से छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, चलो हटो, शराब पीकर आए हो। किंग ने उसे और चिमटाकर कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, तुमको पीना होगा, फिर हम दोनों लिपटकर सोएंगे। नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता है इसकी परीक्षा कर लो। मिस खुर्शीद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नजर पड़ जाए, पर किंग नशे में मस्त था, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस खुर्शीद ने रोष के साथ अपने को अलग करके कहा, तुम इस वक्त आपे में नहीं हो, इतने उतावले क्यों हुए जाते हो? क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ? किंग, इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूँ, आज से मैं खुले खजाने आऊंगा। खुर्शीद ने कहा, तुम तो पागल हो रहे हो, देखते नहीं हो कमरे में कौन बैठा हुआ है? किंग ने हकबकाकर जुगनू की तरफ देखा और झिझक कर बोला, ये बुढ़िया यहाँ कब आई? तू यहाँ क्यों आई बुढ़ी? शैतान की बच्ची यहाँ भेद लेने आती है, हमको बदनाम करना चाहती है, मैं तेरा गला घोट दूंगा। ठहर, भागती कहाँ है, मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पांव रखकर भागी। उधर कमरे से कह कह उठ उठ कर छत को हिलाने लगी। जुगनू उसी वक्त मिसेस टंडन के घर पहुंची। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिसेस टंडन सो गई थी। वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खटखटाई, पर कोई द्वार न खुला और दुखिया को सारी रात इसी तरह काटनी पड़ी, मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो। प्रातःकाल वह आश्रम में जा कूदी। कोई आधा घंटे में मिसेस टंडन भी आई। उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेस टंडन ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थी? इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा। जुगनू ने विरक्त भाव से कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़े ही प्यासे के पास आता है। मुझे आग में झोंक कर आप दूर हट गईं, भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं कल जान की गई थी। मिसेस टंडन ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ, क्या कुछ कहो तो, मुझे तुमने जगा क्यों न लिया? तुम तो जानती हो मेरी आदत जल्दी सो जाने की है। महाराज ने घर में घुसने ही न दिया, जगा कैसे लेती? आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वह वहाँ गई है तो आती होगी, घड़ी भर बाद ही सोती तो क्या बिगड़ जाता, पर आपको किसी की क्या परवाह। तो क्या हुआ, मिस खुर्शीद मारने दौड़ी? वह नहीं मारने दौड़ी, उनका वह खसम है, वह मारने दौड़ा, लाल आंखें निकाले आया और मुझसे कहा, निकल जा, जब तक मैं निकलूं तब तक हंटर खींचकर दौड़ ही तो पड़ा। मैं सिर पर पांव रखकर न भागती तो चमड़ा उधेड़ डालता, और वह रान बैठी तमाशा देखती रही। दोनों में पहले से सदी बदी थी, ऐसी कुलटाओं का मुंह देखना पाप है, वेश्या भी इतनी निर्लज न होगी। जरा देर में और देवियां आ पहुंची। ये वृत्तांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थीं। जुगनू की कैंची अविश्रांत रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृत्तांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ न पूछो, एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थीं। घर के काम धंधे भूल गईं, खाने पीने की सुधी भी न रही, और एक बार सुनकर उनकी तृप्ति न होती थी, बार बार वही कथा नए आनंद से सुनती थीं। मिसेस टंडन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना अनुचित है, आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेस पांड्या ने समर्थन किया, हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते, मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग्य ही नहीं। मिसेस मांगड़ा ने फरमाया, जुगनूबाई ने ठीक कहा था, ऐसी औरत का मुंह देखना भी पाप है, उसे साफ कह देना चाहिए आप यहाँ तशरीफ न लावें। अभी ये खिचड़ी पकी रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठा उठा कर देखा, गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम किंग बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, वही लौंडा है। महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए विकल हो गया। मिस खुर्शीद ने मोटर से उतरकर हुड बंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चली। महिलाएं भाग भाग कर अपनी अपनी जगह आ बैठी। मिस खुर्शीद ने कमरे में कदम रखा, किसी ने स्वागत न किया। मिस खुर्शीद ने जुगनू की ओर निसंकोच आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए भाई जी, रात आपको चोट तो नहीं आई? जुगनू ने बहुतेरी दीदा दलेर स्त्रियां देखी थीं, पर इस डिटाई ने उसे चकित कर दिया। चोर हाथ में चोरी का माल लिए सहा को ललकार रहा। जुगनू ने एट कर कहा, जी न भरा हो तो अब पिटवा दो, सामने ही तो है। खुर्शीद, वह इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आए हैं, रात वह नशे में थे। जुगनू ने मिसेस टंडन की ओर देखकर कहा, और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थीं? खुर्शीद ने व्यंग समझकर कहा, मैंने आज तक कभी नहीं पी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जुगनू ने लाठी मारी, शराब से भी बड़ी नशे की चीज है कोई, वह उसी का नशा होगा, उन महाशय को पर्दे में क्यों ढक लिया, देवियां भी तो उनकी सूरत देखती। मिस खुर्शीद ने शरारत की,
सूरत तो उनकी लाख दो लाख में एक है। मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं, आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शीद ने आग्रह किया, मामले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है, एक तरफा फैसला आप क्यों करती हैं? मिसेस टंडन ने टालने के लिए कहा, यहाँ कोई मुकदमा थोड़ी ही पेश है। मिसेस खुर्शीद, वाह, मेरी इज्जत में बट्टा लगा जा रहा है और आप कहती हैं कोई मुकदमा नहीं है। मिस्टर किंग आएंगे और आपको उनका बयान सुनना होगा। मिसेस टंडन को छोड़कर और सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थीं, किसी ने विरोध न किया। खुर्शीद ने द्वार पर आकर ऊंची आवाज से कहा, तुम जरा यहाँ चले आओ। हुड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आई। आश्रम में सन्नाटा छा गया। देवियां विस्मित आंखों से लीलावती को देखने लगी। जुगनू ने आंखें चमकाकर कहा, उन्हें कहाँ छिपा दिया आपने? खुर्शीद छू मंत्र से उड़ गए, जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू लपक कर गाड़ी के पास गई और खूब देखभाल कर मुंह लटकाए हुए लौटी। मिस खुर्शीद ने पूछा, क्या हुआ, मिला कोई? जुगनू ने कहा, मैं ये तीरिया चरित्र क्या जानूं? लीलावती को गौर से देखकर और मर्दों को साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो, यही तो है वह रात वाले साहब। खुर्शीद ने कहा, खूब पहचानती हो? जुगनू ने कहा, हाँ हाँ, क्या अंधी हूँ? मिसेस टंडन ने कहा, क्या पागलों सी बातें करती हो जुगनू, ये तो डॉक्टर लीलावती है। जुगनू ने उंगली चमकाकर, चलिए चलिए, लीलावती है, साड़ी पहनकर औरत बनते लाज भी नहीं आती। तुम रात को इनके घर नहीं थे? लीलावती ने विनोद भाव से कहा, मैं कब इनकार कर रही हूँ, इस वक्त लीलावती हूँ, रात को विलियम किंग बन जाती हूँ, इसमें बात ही क्या है? देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ कह कह पड़ने लगे, कोई तालियां बजाती थी, कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपट जाती थी, कोई मिस खुर्शीद की पीठ पर थपकियां देती थी। कई मिनट तक हु हक मस्ता रहा। जुगनू का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया, जबान बंद हो गई। ऐसा चरका उसने कभी न खाया था, इतनी जलील कभी न हुई थी। मिसेस मेहरा ने डांट बताई, अब बोलो दाई, लगी मुंह में कालिक की नहीं? मिसेस वांगड़ा बोली, इसी तरह सबको बदनाम करती है। लीलावती ने कहा, आप लोग भी तो जो यह कहती है उस पर विश्वास कर लेती हैं? इस हलचल में जुगनू को किसी ने जाते न देखा। अपने सिर पर यह तूफान उठते देखकर उसे चुपके से सरक जाने में ही अपनी कुशल मालूम हुई। पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियों में भागी। मिस खुर्शीद ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी। मिसेस टंडन ने पुकारा, पर जुगनू कहाँ? तलाश होने लगी, जुगनू गायब। उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में ये वाक्या आज भी उल्लेख और मनोरंजन का विषय बना हुआ है।